युवाओं को साहसिक खेलों से जोड़े जाने के उद्देश्य से कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया की पहल पर पर्यटन विभाग ने कपकोट में MTB साइकिल रैली आयोजित की, जिसमें जिलाधिकारी विनीत कुमार, पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव सहित 40 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर विधायक सुरेश गड़िया, पूर्व मंत्री बलवंत सिंह भौरियाल ने भी आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि कपकोट क्षेत्र में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। बाद में विधायक सुरेश गड़िया व जिलाधिकारी विनीत कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने कपकोट के विकास के संबंध में मंथन किया। इस मौके पर साइकिल क्लब के सदस्यों सहित पर्यटन अधिकारी कीर्ति चंद्र आहारी, तहसीलदार पूजा शर्मा आदि मौजूद थे। ये पर्यटन के तत्वावधान में हमारे विधायक जी की एक अच्छी पहल है, जिसमें कि हम एक साइकिल रैली एक युवाओं को साथ लेके शुरू कर रहे हैं। सभी का धन्यवाद भी है और ये बहुत अच्छी पहल है कि आगे जारी रहनी चाहिए। हमारा जनपद बागेश्वर जो है ये साहसिक पर्यटन के लिए जो है विश्वविख्यात है। हमारे पास यहाँ पर नदियाँ हैं राफ्टिंग के लिए, ग्लेशियर्स हैं विश्वविख्यात, जहाँ पर ट्रैकिंग के लोग आते हैं। पैराग्लाइडिंग की अच्छी साइट्स हैं जहाँ पर उनको डेवलप कर सकते हैं। साइकिल रूट्स हमारे अच्छे हैं। तो हमारी एक अच्छी पहल है कि हम जो है जनपद बागेश्वर के कपकोट विधानसभा क्षेत्र में जो है एक साइकिल आज हमने एक इनका शुभारंभ कर रखा है। भविष्य में हम यहाँ पर जिला योजना के अंतर्गत जो है यहाँ पर हम साइकिलिंग, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, अन्य गतिविधियां जो है यहाँ पर हम कराएंगे, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। आज कपकोट में एक ऐतिहासिक पहल शुरुआत की है। जो हमारा क्षेत्र है पर्यटन के क्षेत्र में कपकोट काफ़ी आगे बढ़ सकता है, और आज यहाँ से हमने पहल कर दी है। जिलाधिकारी बागेश्वर, पुलिस अधीक्षक बागेश्वर, पूर्व कैबिनेट मंत्री मानी भौरियाल जी और ब्लॉक प्रमुख गोविंद सिंह दानू जी, हमारे हरसन भाई तो और हमारे पर्यटन के जो अधिकारी है कीर्ति आजाद जी, तो इन सभी लोगों के सामूहिक पहल से हमने कोशिश किया है कि हमारा क्षेत्र एकदम पर्यटन से, ग्लेशियर वाला जो क्षेत्र है, पिंडारी ग्लेशियर, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर, सारे ग्लेशियर एक तरीके से कपकोट विधानसभा के अंदर हैं। और हमने पहल भी की है, सरकार को डायरेक्शन भी दिया है और अपना जो यहाँ के युवाओं की जो सोच है उसको पहल भी किया है कि हम इस क्षेत्र को पर्यटन के साथ साथ उसको रोजगार में भी उसको डेवलप कर सके, और आने वाले दिनों में हम कपकोट क्षेत्र को एक ऐतिहासिक पर्यटन के क्षेत्र में आगे लाना चाहते हैं। और जो हमारी सोच है कि हम यहाँ और जो राफ्टिंग है, जो हमारा पैराग्लाइडिंग है, जो हमारा ट्रैक रूट है, इन सब को दुरुस्त करते हुए हम यहाँ अपने युवाओं को रोजगार देने का भी काम करेंगे और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रखने का काम करेंगे। और मैं अपने सभी अधिकारियों को और अपने यहाँ के सभी जिन लोगों ने प्रतिभाग किया सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और हमारी ये पहल आगे साकार होगी ऐसी कामना करता हूँ। आज यहाँ कपकोट में माननीय विधायक जी द्वारा ग्रीन फ्लैग दिखा के आज यहाँ पे साइकिल रैली का शुभारंभ किया है। और बेसिकली जो हमारा जनपद बागेश्वर है और ख़ासकर हमारा जो कपकोट क्षेत्र है, ये एडवेंचर टूरिज्म के लिए इसमें काफ़ी सारी अपार संभावनाएं हैं। और ऑलरेडी यहाँ पे जो है वर्ल्ड फेमस हमारे यहाँ पे ट्रैक्स है, पिंडारी ट्रैक, सुंदर डूंगा ट्रैक, कफनी जो हमारे ग्लेशियर है उसका ट्रैक, और एक जो हमारे पिथौरागढ़ में नामिक जो ट्रैक है उसकी भी शुरुआत जो होती है वो बागेश्वर जनपद से होती है। तो इतने वर्ल्ड फेमस हमारे यहाँ पे ग्लेशियर्स और ट्रैक है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसको और भी एक एज अ हब हम लोग इसको एडवेंचर हब की तरह हम लोग इसको डेवलप करें, और जहाँ पे जो माउंटेन बाइकिंग है या फिर हमारे जो पैराग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है, ये सारी एक्टिविटीज़ भी हम लोग यहाँ पर शुरू करें। इसी को ध्यान में रखते हुए लास्ट ईयर भी हमने वाटर एक्टिविटीज़ के लिए बैजनाथ को हमने एज अ हब डेवलप किया, और इस साल जो है हम लोग चाहते हैं कि कपकोट और कर्मी वाला हमारा जो क्षेत्र है उसको हम लोग एडवेंचर जो हमारा स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग उसको डेवलप करें। तो उसके क्रम में आज यहाँ पे हमने साइकिल रैली की शुरुआत करी और एक परमानेंट हम लोग इनका एक एसोसिएशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि और जो रेगुलर बेसिस में इस तरीके के जो इवेंट्स हैं उसको ऑर्गेनाइज करते रहें।
एनसीसीएन न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिरुवा की रिपोर्ट।